और हमारा विश्वास है कलीसिया, कल की इस मीटिंग में आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस होने वाले हो। कल आप में कोई भी सेम नहीं रहेगा कलीसिया, कल भी परमेश्वर अपने दास की खास अगुवाई करेंगे और आप सबको ब्लेस करेंगे कलीसिया, कि आपने इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि इस मैसेज को बहुत सारे लोग देख सके और वो भी छुटकारा पा सके और वो भी इस ब्लेस्ड मीटिंग को देख पाए और वो भी ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कलीसिया, आप सबको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि कल हमारी मिनिस्ट्री की 5th एनिवर्सरी है और कलीसिया, हमारी पूरी टीम की ओर से और परमेश्वर के दास प्रेरित रंजीत रॉबिन जी की ओर से आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं कलीसिया। और हमारा विश्वास है कलीसिया, कल की इस मीटिंग में आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस होने वाले हो। कल आप में कोई भी सेम नहीं रहेगा कलीसिया, कल की मीटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करने वाली है। तो कलीसिया, कल की जो ये मीटिंग है वो पूरे 10 बजे शुरू हो जाएगी कलीसिया, और परमेश्वर के दास इस खास मीटिंग के लिए लगातार प्रेयर में हैं कलीसिया, तो आपको भी अपने मन की बड़ी तैयारी के साथ इस मीटिंग में आना है कलीसिया। तो हमारा विश्वास है कलीसिया, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करने वाले हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम से, हर एक हालात से आपको छुटकारा देने वाले हैं कलीसिया। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर अपने दास की इन दिनी बहुत ही अगुवाई कर रहे हैं कलीसिया, परमेश्वर ने जैसे अपने दास को प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि प्रभु भोज की मीटिंग के बाद जो एक हफ्ते की प्रेयर परमेश्वर के दास ने रखी है, और इन्हीं दिनी जब हम परमेश्वर के दास के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो तभी परमेश्वर ने अपने दास को एक दर्शन दिया, एक विजन दिया, और वो दर्शन ये था कि उन्होंने देखा कि एक टप था और वो पानी से भरा हुआ था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की चादर थी और वो सफ़ेद चादर से वो जो टप था वो लपेटा हुआ था। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से पूछा कि इस दर्शन का क्या मतलब है परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने दास को उस दर्शन का मतलब बताया कि जैसे वो जो सफ़ेद चादर थी उसका मतलब है उजले, और जो पानी था उसका मतलब है साफ। परमेश्वर ने अपने दास को बताया कि जो भी प्रार्थना में बढ़ेंगे इन दिनी, जो भी प्रेयर में बढ़ेंगे और पूरे मन से प्रेयर को करेंगे, उनके जीवन उजले हो जाएंगे, उनके जीवन शुद्ध और साफ हो जाएंगे और अपनी हर प्रॉब्लम से वो छुटकारा पा लेंगे। तो परमेश्वर ने अपने दास को ये दर्शन दिया था कलीसिया। परमेश्वर इन दिनी, परमेश्वर अपने दास की बहुत ही ज़्यादा अगुवाई कर रहे हैं कलीसिया इन दिनी। परमेश्वर अपने दास के द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी टेस्टामनी को बना रहे हैं, जैसे हम हर संडे बहुत ही बड़ी बड़ी टेस्टामनी को सुनते हैं। तो इन्हीं दिनी कल ही हमने YouTube पर इस चैनल पर एक टेस्टामनी को अपलोड किया था कलीसिया। मैं आपको उस टेस्टामनी के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक भाई था और उनको वो 35-36 साल से ड्रिंक का नशा करते थे कलीसिया, और ड्रिंक लगातार ड्रिंक करने से उनको एक प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उनकी छाती में, उनकी चेस्ट में दर्द होनी शुरू हो गई और उसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी कलीसिया, और इस प्रॉब्लम से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे कलीसिया। और जैसे भी वो भाई चर्च में आते थे, परमेश्वर ने अपने दास की अगुवाई की और परमेश्वर के दास ने बोला कि आज जो लोग भी ले हैंड करवाना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि कलीसिया उस दिन कोई भी स्पेशल ले हैंड के बारे में नहीं था बोला गया और ना ही कोई फॉर्म भरवाए गए थे। उस दिन परमेश्वर ने अपने दास की अगुवाई
की थी कलीसिया, और परमेश्वर के दास ने जैसे ही बोला बहुत सारे लोग आगे निकलकर आए ले हैंड करवाने के लिए, और वो भाई भी आगे आए अपनी ले हैंड करवाने के लिए। तो उसी समय जब परमेश्वर के दास उन पर ले हैंड करने वाले थे, तो तब परमेश्वर के दास ने उनको बोला कि आप अगर इस प्रॉब्लम से अच्छा होना चाहते हो, चंगे होना चाहते हो, तो आपको अपने मन को फिराना है, हर पाप से, हर बुराई से आपको अपने मन को फिराना है, और हर बुराई को छोड़ना है, हर पाप को छोड़ना है। यदि आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से टोटली आज़ाद कर देंगे। तो कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही उस भाई ने अपने मन को फिराया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 35-36 साल से नशा करते थे ड्रिंक का, जैसे ही उन्होंने अपने मन को फिराया, तो परमेश्वर ने जैसे ही अपने दास के द्वारा बोला था उस भाई के लिए कि तुम टोटली आज़ाद हो जाओगे, तो वैसे ही कलीसिया परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में अपनी बड़ी सामर्थ्य को प्रकट किया। कलीसिया, आज वो भाई बिल्कुल उस प्रॉब्लम से आज़ाद हो गया है, और परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में अपनी बड़ी सामर्थ्य को प्रकट किया है। कलीसिया, तो परमेश्वर अपने दास को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत सारे छुटकारे के वर्ड दे रहे हैं। कलीसिया, तो निश्चय कलीसिया, हमारा विश्वास है कलीसिया, जो कल की ये ब्लेस्ड और ब्लेस्ड मीटिंग है कलीसिया, कल की इस ब्लेस्ड मीटिंग में भी कलीसिया आपको प्रेयर में रहना है, और आपको परमेश्वर के आगे ये रखना है कि परमेश्वर कल भी, परमेश्वर आप अपने दास के द्वारा, परमेश्वर हमें आप बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुके हो, और परमेश्वर हमें आप ब्लेस्ड वचन दे चुके हो, ब्लेस्ड वर्ड दे चुके हो, कल भी आप अपने दास के द्वारा हमें प्रोफेटिक वर्ड दे चुके हो, और मेरा विश्वास है कलीसिया, हमारी पूरी टीम का विश्वास है कि कल जो भी इस मिनिस्ट्री में आएगा, इस परमेश्वर की हजूरी में आएगा, वो सेम नहीं रहेगा। कलीसिया, आप जितने भी ऑनलाइन कल वॉच करोगे, मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए भी ये खास और ब्लेस्ड मीटिंग है, आपको भी पूरी तैयारी के साथ बैठना है और पूरे विश्वास के साथ कलीसिया बैठना है। तो परमेश्वर आपको भी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे इस मिनिस्ट्री की कल 5th एनिवर्सरी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इस मिनिस्ट्री को नया नया शुरू किया गया था, तो मैं बताना चाहती हूँ कि तब हमारे पास एक स्पीकर, साउंड स्पीकर एक ख़रीदना था, और उसे वो सिर्फ 4500 रुपए का था, और उस समय उसे ख़रीदने के लिए भी इस चर्च के पास मतलब उतने पैसे का अरेंजमेंट नहीं था हुआ, इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं था हुआ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को लाखों के साउंड के साथ ब्लेस कर दिया है। कलीसिया, परमेश्वर ने हर चीज़ को डबल कर दिया है। कलीसिया, जैसे उस समय एक सेकंड हैंड लैपटॉप था जिस पर हम लाइव करते थे मीटिंग को, और हमारे पास एक ही कैमरा था, आज परमेश्वर ने हमें बहुत सारे कैमरों के साथ भी ब्लेस किया है। हर एक चीज़ परमेश्वर ने डबल कर दी है। कलीसिया, ऐसा कब होता है कलीसिया? जब हम परमेश्वर में पूरी वफादारी के साथ चलते हैं, पूरी खराई के साथ चलते हैं, तो ऐसा ही मन परमेश्वर के दास ने तैयार किया है। परमेश्वर अपने दास को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारी अपनी रूहों को बचा रहे हैं अपने दास के द्वारा, और मेरा विश्वास है कलीसिया, हम सबका यह विश्वास है कि कल भी परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा सुपर और डुपर ब्लेस करने वाले हैं। कलीसिया, कल भी परमेश्वर अपने दास की खास अगुवाई करेंगे और आप सबको ब्लेस करेंगे। कलीसिया,
तो सच में कलीसिया इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को, जितने भी देखेंगे इस मैसेज को, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपने इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि इस मैसेज को बहुत सारे लोग देख सकें और वो भी छुटकारा पा सकें और वो भी इस ब्लेस्ड मीटिंग को देख पाएँ और वो भी ब्लेस हो जाए। तो कलीसिया, आप सबको मैं फिर से शुभकामनाएं देती हूँ इस मीटिंग के लिए, और परमेश्वर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर चुके हैं और बहुत सारी बरकत दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।